Good morning, dear parents and students. Myself, Renu Singh, class teacher of your ward of class KG, welcomes you. Today's date is April 6, 2020, that is Monday. आज हम पढ़ेंगे हिंदी. हिंदी में पढ़ेंगे स्वर अ और आ. इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नर्सरी क्लास से जो बच्चे आए हैं वो लाइंस सीख कर आए हैं, कर्व्स सीख कर आए हैं, जैसे कि स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कर्व्स, जिससे कि बच्चों को स्वर बनाने में सहायता होती है. मैं एक बार आपको फिर से दोहराती हूँ. ये है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और ये है कर्व्स. अब हम पढ़ेंगे स्वर अ. ये है स्वर अ, इसे कर्व्स के थ्रू बनाया गया है. एक आधा गोला जोड़ते हुए दूसरा आधा गोला, स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, एक छोटी स्लीपिंग लाइन. अ स्वर से संबंधित कुछ चित्र हैं. अनार, अ से अमरूद, अ से अचकन. आप बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट्स भी दिखा सकते हैं, जैसे कि अखबार जो कि हम सभी के घर पर आता है, अ अलमारी जिसमें हम अपने कपड़े रखते हैं. आइए इसको कैसे बनाते हैं वो सीखें. इसे एक आधा गोला जोड़ते हुए एक और आधा गोला, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर एक छोटी स्लीपिंग लाइन. बच्चों को बढ़ाने के लिए हम डॉट्स के थ्रू स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, और यहाँ पर दो डॉट, जिससे कि वो स्टैंडिंग लाइन बना सकें. इस तरह से आप नोटबुक में भी थ्री डॉट्स बना करके हेल्प कर सकते हैं बच्चों को. थ्री लाइंस में ही लिखें. लेट्स स्टार्ट स्वर आ. ये है स्वर आ. इसे भी एक आधा गोला जोड़ते हुए दूसरा आधा गोला, एक स्लीपिंग लाइन, और यहाँ पर बनेंगी टू स्टैंडिंग लाइंस और एक छोटी स्लीपिंग लाइन. इसके ऑब्जेक्ट्स देखेंगे. अ से आलू, आ से आम, आ से आग. इसमें भी आप बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हैं, जैसे कि आलू. ये हम सब की किचन में अवेलेबल होता है और सबको पसंद भी आता है. इसे भी लिखना सीखेंगे, जैसे एक आधा गोला जोड़ते हुए एक और आधा गोला, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन. इसमें भी थ्री डॉट्स, वन टू थ्री, और इस साइड टू टू डॉट्स देंगे ताकि आ की मात्रा बच्चे जोड़ सके. आधा गोला, एक और आधा गोला, स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग, अनदर स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर स्लीपिंग लाइन. ऐसे ही यहाँ पर आप लिखेंगे थ्री डॉट्स और पीछे टू टू डॉट्स देकर. इसके बाद इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं. डियर पेरेंट्स, बच्चों को स्वर आ और अ दोनों का ही लिखने का अभ्यास करवाएं व उच्चारण करवाएं. धन्यवाद.